ये देखो एंट्री फूड ब्लॉगर्स की। दारू फास्ट फूड के ऊपर नाम क्यों रख रहे हो? खाने का सर सर आप हमारी फोटो तो आई नहीं पीछे। सर आप आ गए, क्या बात है भाई, यहाँ पे स्वीट स्वीट कपल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर व्लॉग्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत बढ़िया हूँ। तभी उधर सुबह के भाई 11 बज चुके हैं और हाँ 11 बज चुके हैं और हमने ब्रेकफास्ट किया है 11 बजे। देखो ब्रेकफास्ट हमारा 11 बजे हो रहा है, तो लंच पता नहीं कब होगा, ब्रंच पता नहीं कब होगा, डिनर पता नहीं कब होगा। एंड अभी मैं और मोटा श्री गब्बर जी, ठीक है, ध्रुव और मैं जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? ध्रुव के शॉपिंग करने, ध्रुव के कपड़े लेने, बिकॉज हमें किसी इवेंट में जाना है भाई। मैं तो ऐसे पुराने कपड़ों में चला गया, यू नो वेरी चीप पर्सन आई एम। और ये देखो ये रिच पीपल यार, क्या करें इनका यार, बोंकर्स के कपड़े भाई साहब, क्या मस्त कपड़े पहनता है भाई, बहुत बढ़िया कपड़े पहनता है। क्या हो गया? अरे चलो अभी शॉपिंग के लिए चलते हैं। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। तो गाइस अभी हम आए डिवाइन क्लोथ्स पे। डिवाइन क्लोथ्स है ना नाम? हाँ ठीक है, इसको बेचारे को ना 40 वाली पूरी आ रही है ना 45। तो गाइस अभी हमने डिवाइन कलेक्शन से ली हैं ध्रुव की 2 शर्ट्स एंड 2 पैंट है, वो स्टिच होने गई है क्योंकि मोटे की कमर इतनी बड़ी है, कमरा ही है पूरा। ठीक है, थैंक यू भैया, जो भी आएगा बढ़िया डिस्काउंट लगेगा। ध्रुव का नाम ले देना भाई, है ना ध्रुव? ध्रुव के नाम पर कमीशन रख देना, है को कमीशन रख देना। अभी ध्रुव के कपड़े दिला के मैं वापस आ चुका हूँ घर पे और फटाफट से मैं भी नहा लेता हूँ, अपना रेडी शेडी हो जाता हूँ। तो गाइस मैं भी रेडी हो चुका हूँ और अर्पण भैया तो आए नहीं, अर्पण भैया आके मिलेंगे हमें, तो मैं अब ध्रुव जा रहे हैं, अभी वही मिलता हूँ जल्दी। गाइस अभी हम आ चुके हैं सिरसा क्लब, यहाँ पे अंदर शेफ चॉइस है ना नाम? यस, एक उसमें यम्मी आ रहा था ना, तो मेरे को कन्फ्यूजन सी हो रही थी। बाकी अभी अंदर चलते हैं, बुलाया हुआ देखते हैं, और भी बंदे आए होंगे, ब्लॉगर्स मीट है आई थिंक सो। 1:20 तो हो चुका है, हम ऑन टाइम है, 2 मिनट लेट है। अर्पण भी आ रहे हैं? या यस सर, थैंक यू सो मच। अभी अर्पण भी अभी आ रहे हैं, वो एक्चुअली कार पे आ रहे हैं अपनी, तो फिर उनका प्लस वन साथ में और आ रहा है? नहीं, वो अकेले आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शेफ चॉइस पे और यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया शायद मिस गोकुल ने, उनका मेरे को टेक्स्ट आया था। सामने खड़े हमारे पास मिस गोकुल जी। मैम आपने ही ऑर्गेनाइज किया है ना? या इन्होंने बुलाया भाई, बहुत रिस्पेक्ट दी है। 3-4 बार मैसेज आ चुके हैं, सुबह भी शाम भी, 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी, तो आना तो बनता था। और बहुत सारे लोगों को मैसेज किए गए हैं, अब देखते हैं कौन कौन आता है सिरसा का, हमें भी पता चले कौन कौन ब्लॉगर है और उन्हें भी पता चले कि हम भी हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखो एंट्री फूड ब्लॉगर्स की। अभी हमारे अपन भैया को बाहर से पिक करने आए थे, देखा हम पिक करने आ गए, आप नहीं आ पाए। चलो वो सो रिगार्ड है आपका। हाँ चलिए आप आगे आगे चले, आपको हम मिलाते हैं। ये पुल होता है बाहर, इशारा गलत था मेरा, मैं बाहर होता है, चल के देखो यार कितने कॉल्स। यहाँ पे भी छिनछुने लटक रहे हैं, छिनछुने है ना ध्रुव? अबे हमें डांस करना है और वो है मैम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ क्या बताओ करना क्या? डांस या किस पे? ये इधर आइए, वेला कह दिए तू यार, अनु असि सच्ची वेले हां। हां तू भी वेला है? हेलो ओके, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया ठीक है। हां मैंने मैसेज किया, वो सारा उनके ऊपर बेस्ड है। अरे मैम हम आपको तो जितना पसंद हम चमाटे करते हैं सीधा। चलो बात पलट गई। हाँ कल को आप स्विगी बोलोगे, चेंज करते रहो। दिस इज बिजनेस, ऑर्डर नहीं करना मतलब। राइट
तंदूरी मोमो, उनकी तंदूरी चाय और एक चाय का सर कोई स्पेशल कौन सी हो? आईजीएल चाय। अरे वाह, फुल फॉर्म बताओ। इंडियन गंगाधर चाप, इंडियन गंगाधर चाप। आप होटल खोल लो, आप होटल खोल लो, ये होटल पे छोटू बन सकते हैं। वेरी गुड। दारू, is there are some kids from a dance academy, I think so One Direction, they are going to perform a dance and sabse pehle wo karegi Naira, sabse chote wali, and 3-4 aur hain, baki sabko main janta nahi hu, abhi uska naam repeat hua tha mic pe, to dekhte hain. और मेरे चैनल का नाम है अमंधत्तर व्लॉग्स,
एंड मेरी जर्नी अगर मैं बताऊं तो मैं बेसिकली फूड ब्लॉगिंग को प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं देता, बट आजकल ये ट्रेंड में है तो ये चल रहा है. बट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आई थिंक सो बचपन से मेरे को मतलब एक्टिंग का शौक था. एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले मेरे दोस्त का फ़ोन मांगा, मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था. फिर मैंने मेरा चैनल शुरू किया, दो तीन वीडियोज़ उससे की. फिर मेरे को पापा ने अपना फ़ोन दिया, मैंने उस फ़ोन से वीडियोज़ बनाई. फिर मेरे को अब ये वाला फ़ोन मिला आईफोन, एंड फिर अब मैं इससे वीडियोस बनाता हूँ. और ऊपर से मेरे को मिमिक्री का शौक है, सो मैं मिमिक्री करना चाहता हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें. बात हुई ना यहाँ पे ईगो वगैरह वाली एंड डिफरेंट डिफरेंट बातें हुई. यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स आए हुए हैं, साहिल सर आए हुए हैं जो डांस करते हैं, जिनकी एकेडमी है वन डायरेक्शन. तो भाई सर आप हमारी फोटो से वही नहीं पीछे, सर आप आ गए. क्या बात है भाई, यहाँ पे फोटो नहीं आई, यहाँ पे स्वीट स्वीट कपल आपकी इसलिए नहीं आई, मैं कपल में नहीं हूँ बोला गया था. आपके मुंह में शेफ मिल्स, तभी मैं कह रहा हूँ मैं फूड ब्लॉगर ब्लॉगर से. मेरी स्पेलिंग भी गलत है, मेरा फूड भी गलत है, सब कुछ गलत है, और साथ में बस एक गब्बर सही है. हमारे पास है मोमो दीदी, जिन्होंने मोमो दीदी हाथ तो मिला लो, बहुत अच्छा डांस था. साथ में उनकी बड़ी दीदी, सबका बड़ा अच्छा डांस था. और एक भाई है ऑरेंज 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 जूस भाई, आपका नाम क्या है? पारस. फ्रेंच फ्राइज. सर आप सारे फास्ट फूड के ऊपर नाम क्यों रख रहे हो? खाने का शौक है. बहुत बहुत बढ़िया बात है. चिली चिकन. ये हमारे केविश का लड़ा जी भाई, क्या डायरेक्शन है लड़के भाई, हाथ तो मिला लो मेरे से. कोई गलत कर रहे हो यार तुम, मेरे साथ वीडियो में हमेशा ही होता है किसी से हाथ मिलाने जाओ भाई 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 भाई, गलत है यार ये भाई. ये बात है, हैं एटीट्यूड नहीं है, शर्मीला है लड़का. उसको भी बोला चल यहाँ से. हमारे साथ में साहिल सर,
जिनके डांस अकेडमी वन डायरेक्शन। हाँ जी, साथ में एक और भैया। भाई यहाँ पे सारे फूड ब्लॉगर हैं, सिंगर हैं। मैं कह रहा हूँ अपन सिरसा में बॉलीवुड खोलते हैं नया। मेन जनों को तो लो। अरे बुम बुम। लोगों को समझ नहीं आया नारा क्या लगा है। हाँ मजा आया, बात खत्म, बस वही है। पैसे खत्म यार, आप हर बार में पैसे क्यों उड़ा रहे हो? हाँ एंटरटेनमेंट, दैट्स द राइट थिंग। साथ में हम लोग आ गए ना, बोटी बोटी देखो। बोटी 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 बोटी। वो हिलनी है, हिलनी रहा ढंग से लाओ। ढंग से अभी हमारा मीटअप कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी अच्छा मिला सबसे मिलके। फूड ब्लॉगर है हमारे साथ, डांसर है हमारे साथ, चॉइस है हमारे साथ, चॉइस की वाइफ है हमारे साथ, और ये हमारे साथ शेफ हैं, फिर शेफ की वाइफ है, उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना पहले, और लास्ट में अरोही मैम, और पीछे है पारस भैया, और गब्बर बेचारा अलग बैठा रहता है। और कोई रहेगा क्या? हाँ, और मैं हूँ, मैं थक के भूल गया हूँ भाई सारा कुछ। मोमो मैम एक छोटा सा इंटरव्यू प्लीज, आ जाओ जल्दी से। ओ भाई इनका डांस तो आपने वीडियो में पहले ही देख लिया होगा, काफी बढ़िया डांस किया है एकदम से, वो रोंगटे से खड़े हो गए। अरे मोटो भाई कहाँ है? मोटा भाई कठा रह गयो, जिन्होंने सोचा बढ़िया बढ़िया डांस किया वो तो रह गए। सिस्टम सिस्टम, ये बात है भाई, बहुत अच्छा लगा। एंड नहीं यार, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। आप सबको कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा। तो सिरसा में जरूर आए शेफ चॉइस पे और ट्राई करके जाएं, बता दीजिए बात। मील्स पे भी आए, ठीक है। अब आप सारी लिस्ट बनाते हैं, फिर वो देते हैं डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सो आप ये भूल गया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अरे वाह, वेरी गुड। सो गाइस ब्लॉगर मीट से तो मैं वापस आ गया था, उसके बाद मैं आते ही घर पे आते ही सो गया था भाई, एंड थक गए थे ना, क्योंकि फिर अभी मतलब मैं उठा हूँ एंड अभी तैयार हुआ हूँ जिम के लिए। अभी ये जो डोलियाँ हैं इनको डोला बनाना है, थोड़े दिन में वेट कर रहे हैं डोली कब डोला बनेगी। और वैसे मूवी बना सकते हैं ना, डोली कब डोला बनेगी, बढ़िया मूवी बनेगी।
भाई आज व्लॉगर्स मीट पे भाई क्या बंदे आ रहे थे, मल्टी टैलेंटेड लोग, कोई सिंगर है भाई, कोई डांसर है भाई, कोई कुछ है भाई, कोई फूड व्लॉगर है। बेसिकली वैसे आप सबको तो पता है मैं फूड व्लॉगिंग करता नहीं, बट अभी ये ट्रेंड में थी तो मैंने सोचा सब्सक्राइबर तो गेन करें, और फूड व्लॉग में मतलब अच्छा लगता है लोगों को मैं बोलता हूँ तो। एंड भाई वहाँ पे भी मेरे को बहुत सारे लोग मिले, बहुत अपने भाई यार दोस्त मिले, बंदे मिले, काफ़ी सभी का काफ़ी अच्छा नेचर था। एंड इवन उन सबको भी फॉलो कर लेना आप सभी की, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे तो सबको मैंने फॉलो किया हुआ, मेरी थोड़ी बहुत ही फॉलोइंग है वहाँ, सभी आपको मिल जाएंगे फूड व्लॉगर्स एंड यम्मी मील्स एंड मतलब सभी के सभी मिल जाएंगे उसके अंदर, तो आप उन सबको फॉलो कर सकते हो। बाकी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। एंड दूसरी मैं बात करना चाहूँगा यार, मतलब बहुत लोग गिराने वाले मिलेंगे, बट आगे बढ़ो भाई। वहाँ पे जो उन्होंने पॉजिटिव माहौल बनाया, मतलब उन्होंने जो ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है गोकुल मैम ने और उनके हस्बैंड ने एंड उनकी टीम ने, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। एंड वो भी काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार ट्राई कर दिया ये इवेंट। एंड अगर मैं बात करूँ खाने की, तो भाई ऐसा नहीं है कि हमें बुलाया या फिर ये चीज़ें वो हैं, सीरियसली खाना बहुत अच्छा था। मोहितो, एक तो मैं मजीतो बोल दूँ, मेरा नहीं क्यों देसी टच आ जाए मेरे में, हाँ तो मोहितो जो था उसके अंदर क्या था ना, मोहितो में भाई टेस्ट जो आता है ना, मतलब नॉर्मल बहुत जगह पिया है हमने, मेरे को दो तीन जगह का ही मोहितो पसंद है, एक एलओएच का एंड दूसरा अभी यहाँ का शेफ मील्स का पसंद आया मेरे को। मील्स का बड़ा अच्छा लगा ये जो भी मोहितो था, क्योंकि उसके अंदर जो टेस्ट था ना वो काफ़ी बढ़िया था। एंड और भाई बातें अगर मैं करूँ ना तो बहुत कम पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से जिम जाना चाहिए तो जिम चलते हैं। तो गाइस जिम जाने से पहले अपनी बॉडी चेक कर लेते हैं। ये बैठी हमारी माता श्री सिस्टा बच गई ओ आज पता कहाँ जाके, देखो गाइस ये देखो मेरे को इन्होंने गिफ्ट भी दिया, मम्मी काट ये बार अर्थ की नोटबुक, इसमें मैं मेरी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख के भेजूंगा, मम्मी तेरी बहू खातर। हाँ जाएगा ब्याह, होएगा ब्याह, क्यों नहीं होएगा, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जाओ एक कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों की साइड लेते हैं और एक ही मम्मी देख लो सिस्टम छोड़ के बच सिस्टम छोड़ के बच चलते हैं। अब एक बात तो है यार, मतलब एक है ना जब ऐसी जगह पे जाता है ना चुल उड़ जाते हैं, नाम बनाना भाई एकदम जान है, लोग स्वाद आए भाई पूरा लाइफ का, मतलब फेमस होना है तगड़े वाला। चल रहे हैं धीरे धीरे, ऐसी कोशिश चलती रहेगी, आप सबका सपोर्ट मिलता रहेगा, वहाँ पे भाई मिले उन सबका सपोर्ट मिलता रहेगा। अभी चलते हैं अपन जिम चलते हैं भाई, बहुत बातें करता हूँ मैं फिर से। हेलो भैया, कैसे हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, भूल जा। गाइस कल मैं जिम से आ गया था एंड रात को वीडियो एडिट की नहीं हुई, अब सुबह उठ के की है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी, ये कम से कम भी 40 मिनट की बन गई थी, फिर इसको ट्रिम कर करके मैं हाफ पे 20 मिनट पे ले गया हूँ, 20 से 22 मिनट पे जितनी भी पहुँच गई होगी अभी। एंड काफ़ी इन्जॉय किया कल, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।